हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मील। मेरा नाम है साहिल एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ज्योमेट्री का चैप्टर वन। इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये ज्योमेट्री का पार्ट वन है और इसी तरह ज्योमेट्री का कंप्लीट टॉपिक मैं कवर करूंगा। जल्दी ही ज्योमेट्री के सभी टॉपिक्स पे बेस्ड आपको वीडियोज मिल जाएंगी। ऑलरेडी मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके के काफी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आप चैनल को चेकआउट जरूर करें और वीडियोज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी मील पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट क्या होता है। अब देखिए पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये देखिए ये पॉइंट, कोई भी जो एक डॉट होती है वो एक पॉइंट होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं आपको। और अगर उसकी डेफिनेशन देखे तो क्या होते हैं, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजिशन Which has no dimension, that is no shape or size. आपको पता है पॉइंट की कोई शेप या साइज नहीं होता। यहाँ पे अगर मैंने डॉट लगा दी तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होता। पॉइंट आप इतना बड़ा भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट होता है, एंड एक छोटा सा भी पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसकी कोई शेप एंड साइज नहीं होती। तो ये होती है पॉइंट की डेफिनेशन। अब एक एक करके पॉइंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कि एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आप देखें, ये देखिए कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग एक पॉइंट से। तो ये होती है पॉइंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, कि अगर आपके सामने दो पॉइंट्स गिवन है, सपोज ये दो पॉइंट्स हैं, तो आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। ये देखिए ये दो पॉइंट्स है, अगर तो आप ये करें कुछ ऐसे करें तो कोई लाइन नहीं बन रही। इन दोनों को अगर ज्वाइन करें तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपके सामने कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, सपोज ये दो पॉइंट्स गिवन है, तो इनको ज्वाइन करके एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेम है कि सपोज आपके सामने तीन पॉइंट्स हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है। और अगर एक लाइन सेगमेंट यहां से जा रही है, सपोज एक लाइन सेगमेंट यहां से पास कर रही है इन तीनों पॉइंट से, तो ये जो तीन पॉइंट्स होंगे, ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। आपको पता होगा, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि अगर एक ही लाइन सेगमेंट पे तीन पॉइंट्स या फिर तीन से ज्यादा पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स अगर आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं तो वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और अगर देखिए इस तरह से आ रहा है, सपोज एक पॉइंट ये है एंड एक पॉइंट यहां जा रहा है, एक पॉइंट यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पे तो एक लाइन नहीं जा पाएगी, ये दो अलग ज्वाइन हो रहे हैं, ये दो अलग हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो ये तो लाइन नहीं बनी, तो ये जो होंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, ये हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सपोज आपके सामने चार पॉइंट्स हैं, सपोज चार पॉइंट्स हैं, अगर ये चार पॉइंट्स आप ज्वाइन करके एक सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं, तो ये जो चारों पॉइंट होंगे ये होंगे कंसाइक्लिक पॉइंट्स। ये पॉइंट चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, सपोज यहाँ चार थे, ये पांच पॉइंट कर लीजिए आप, छह कर लें, सात कर लें, आठ कर लें, तो एक सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ होते हैं वो सारे के सारे होते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। तो और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी अगर तीन पॉइंट्स आपके सामने गिवन है और वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये देखिए, तो ये जो नॉन कोलिनियर तीन पॉइंट्स होते हैं एटलीस्ट, इनसे एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, तो तीन पॉइंट्स हमेशा जो होते हैं वो कंसाइक्लिक होते ही हैं। अगर तीन से ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो कंसाइक्लिक हो, पर तीन पॉइंट्स कंसाइक्लिक ही होते हैं, बिकॉज अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी सारी प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को एक बार देख भी लेते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये देखिए सभी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है वो सारी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था पॉइंट का, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें मैं डिफरेंट लाइंस के बारे में बताऊंगा आपको, जैसे कि लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही,